हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है सत्यार्थ और तुम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी गेमिंग यूट्यूब चैनल इंग्लिश गेमर में। सो गाइस, हम लोगों के यार सीजन 10 का यार वीक 7 आ चुका है, तो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं मिशंस क्या क्या होने वाले हैं और किस तरह से करना उसे फटाफट से एकदम से कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपने आरपी सेक्शन में और वहां पे जाकर देख सकते हो यहां पे गाइस हम लोगों का मिशन आ चुका है। तो भाई यहां पे मिशन आ चुका है, तो चैलेंजेस मिशन में चले जाते हैं। तो भाई जो सबसे पहला मिशन निकल के आ रहा है वो है यूज द सुपर स्टार इमोट्स इन स्कूल एरिया आरपी रैंक रिवॉर्ड में मिलने वाला है। ये जो होने वाला है तो सुपर स्टार का ये इमोट्स देख सकते हो। तो बेसिकली गाइज इसको स्कूल एरिया में तुम्हें लैंड करने के बाद, यार स्कूल एरिया में लैंड करो या फिर कहीं से भी घूम के आओ, सुपर स्टार को पहले इक्विप कर लेना, उसके बाद जाके उसे प्ले कर देना। एक बार सिंपल प्ले कर दोगे, ये बड़ा सिंपल सा है, ये आराम से हो जाएगा तुम लोगों का मिशन। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है वो है लैंड ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग सैन मार्टिन। सैन मार्टिन में 3 बार लैंड करना है, जो बेसिकली हम लोगों के मिरामार मैप में देखने को मिलता है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर यार रेंज प्लेन के रेंज में अगर सैन मार्टिन आता है तो जाओ, नहीं तो एग्जिट मार के फिर से मैच मेकिंग कर लो, सर्वर चेंज कर लेना यार, नहीं तो तुम्हारी रैंकिंग डाउन होगी। और ट्राई करना यार तुम मर जाओ, लैंड करने के बाद मर जाओ या फिर तुम्हें कोई बॉट या प्लेयर मार दे, क्योंकि यार वहाँ पे अगर टिके रहते हो लैंड करने के बाद तो तुम्हारे तुरंत पॉइंट नहीं इंक्लूड होता मैच खत्म होने के बाद। या तुम्हारे प्लेयर जब तक मैच में जिंदा रहेगा तब तक पॉइंट नहीं इंक्लूड होगा, जब तुम्हारा प्लेयर मर जाएगा तब पॉइंट इंक्लूड होने वाला है। तो इस तरह से ये भी मिशन हो जाएगा फटाफट से कंप्लीट। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है गाइस वो है किल 20 एनिमी इन मिलिट्री बेस एरिया। मिलिट्री बेस एरिया में भाई 20 लोगों को मारना है, तो भाई सबसे आसान सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि मिलिट्री बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करो, अपनी स्क्वाड के साथ जाओ, क्योंकि भाई अभी 1 से 2 दिन के अंदर यार इतने ज़्यादा बंदे उतरने वाले हैं मिलिट्री बेस एरिया में कि भाई सबको मिशन कंप्लीट करना है और सब बंदे उतरेंगे, भाई सबके पास आरपी वाले होंगे बंदे। तो भाई यहाँ वहाँ पे जाने पे टफ मैच तो होगा ही, लेकिन भाई तुम बंदों को अगर यार ऐसा करो कि मतलब नॉक करने के बाद सीधा तुम अपना किल सिक्योर करो, तुम नॉक करो बंदों को और उनको सीधा मार दो जिससे तुम्हारा पॉइंट सिक्योर हो जाए। ये मत करो कि नॉक करके छोड़ दो, तुरंत नॉक करो, तुरंत उसको किल कर दो, पूरा इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है वो है गेट द M24 इन 3 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो इसको कंप्लीट करने का सबसे आसान सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि गाइज अगर तुम कहीं भी जाते हो और M24 तुम्हें मिल जाती है या तुम्हारे स्क्वाड में किसी भी बंदे को मिल जाती है तो सिंपली यार कुछ करना नहीं है, उससे M24 ले लेना है, फिर वापस उसको कर दो। यार तुम्हारा फ्रेंड अगर ट्रस्टेड होगा तो तुमको दे देगा, भाई तुम अपने मिशन कंप्लीट कर लेना और फिर तुम उसको अपना M24 उसी का M24 वापस कर सकते हो। भाई मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ M24 सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलती है, तो M24 मिलने का सबसे ज़्यादा लोकेशन है मिलिट्री बेस एरिया में, जहाँ पे तुम अपना ऊपर वाला मिशन भी कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा जॉर्जो पुल है, तीसरा तुम्हारा यार जो तुम चले जाओ नोवो प्रिंट में, या फिर तुम चले जाओ गाइस कभी कभी पोचिंकी में भी मिल जाता है M24। तो जॉर्जो पुल, नोवोप्रेन, मिलिट्री बेस एरिया में तुम्हें M24 बड़े आराम से मिल जाएगा और मिल्टा पावर में भी जा सकते हो M24 के लिए। तो गाइस यही सारे मिशन होने वाले थे हम लोगों के रॉयल पास वाले। अब बात कर लेते हैं जो सबके लिए मिशन होने वाले हैं वो किस तरह से करना है कंप्लीट। तो सबसे पहला मिशन जो निकल के आ रहा है वो है फ्रेंड बोनस मिशन, अपने फ्रेंड के साथ इसे कंप्लीट करना, तुम्हें यार +60 RP की बेनिफिट हो जाने वाली है। ये बोल रहा है क्या गाइस, किल 10 एनिमी इन एरेंजल इन क्लासिक मोड विद बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल। तो इरेंजल क्लासिक, इरेंजल मैप में क्लासिक मोड के अंदर तुम्हें बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल से 10 लोगों को मारने हैं। तो भाई सिंपल सा यार, तुम्हें क्लासिक ही खेलना पड़ेगा और इरेंजल का मैप ही खेलना पड़ेगा। तो गाइस इतना ट्राई करना कि भाई जो तुम्हारे पास गन हो, जो तुम्हारे पास स्नाइपर राइफल हो, वो किल करने से पहले चेक कर लेना यार बोल्ट एक्शन है कि नहीं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा यार AW में अगर ड्रॉप में से मिल जा रही है भाई तो उसी से किल करो, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। भाई मैं दिखा देता हूँ जिनको नहीं मालूम है, मैं फिर से उन लोगों को बोल्ट एक्शन राइफल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके तुम बोल्ट एक्शन राइफल में चेक कर सकते हो कौन कौन सी गन आती हैं। तो यहाँ पे Kar-98 आ रही है, फिर M24 आ रही है तुम्हारी, फिर AWM आ रही है, Win-94 आ रही है। तो भाई रेंजल में यही 3 मिलने वाली है, M24, AWM और Kar-98। तो भाई इस तरह से तुम अपना M24 वाले मिशंस को भी कंप्लीट कर सकते हो। और 10 लोगों को भाई ये नहीं डिपेंड करता है तुम 10 लोगों को मारो अपने रॉयल पास फ्रेंड के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, तुम 9 लोगों को भी मार दो, सिंपल जैसे भी मारना हो मार दो, लेकिन जब 10वां किल करना हो भाई बोल्ट एक्शन, तुमको यार सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 9 लोगों को किसी भी तरह से मारना नहीं मैटर करता, लेकिन यार ट्राई करना कि जब तुम 10वां किल कर रहे हो तो अपने दोस्तों से यार बोल्ट एक्शन राइफल एक मैच के लिए मांग लेना, आरपी वाले फ्रेंड को ले जाना, और बॉट अगर कोई दिख जाता है भाई तो उसको सिंपल से मार के किल ले सकते हो, +60 RP का इसमें तुम्हें बेनिफिट हो जाने वाला है। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है वो है फिनिश इन टॉप 3 3 टाइम्स इन स्क्वाड क्लासिक मोड। तो स्क्वाड में
टॉप थ्री में आना है, स्क्वाड के क्लासिक मोड में तुम्हें टॉप थ्री में 3 बार आना है। तो भाई ट्राई करना यार, चिकन डिनर कर लो यार, तुम सेफ खेलते हो, तुम यार रश खेलते हो, इससे नहीं डिपेंड करता है यार तुम्हारा। तुम अगर मर भी जाते हो, तुम्हारी स्क्वाड अगर चिकन डिनर दिला दे रही है तो भी तुमको ये पॉइंट इंक्लूड होगा। तो भाई ये सबसे आराम से हो जाएगा, तुम सिंपल मैच कंप्लीट करते रहो, ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाने वाला है। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है वो है विन अ क्लासिक मैच वाइल वेयरिंग अ लेवल 3 आर्मर। तो एक तुम्हें लेवल 3 के जैकेट को पहन के एक चिकन डिनर करना है भाई। तुम इस तरह से पहले आया था हेलमेट पहन के 3 लेवल के तुमको चिकन डिनर करना था, तो भाई इसमें भी कंफ्यूज मत होना यार, तुम लेवल 3 का हेलमेट जैकेट पहने रहना और उसके साथ ही साथ तुमको चिकन डिनर करना है भाई। ये मत करना कि भाई तुम बीच में अगर मर जाते हो, तुम लेवल 3 का जैकेट पहने भी रहते हो तो भाई कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हारे पॉइंट नहीं इंक्लूड होंगे। तुमको लेवल 3 का जैकेट पहनने के बाद भाई तुम्हें चिकन डिनर करना ही पड़ेगा, तुमको जिंदा रहना है लास्ट तक। तो भाई ये इतना ध्यान रखना, तुम लास्ट किल करते हो ये नहीं मैटर करता है, बस तुम लास्ट तक टिके रहो और तुम चिकन डिनर में भाई जिंदा खड़े रहो। तो भाई ये इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। और फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट मिशन है वो है किल 20 एनमी विथ M16A4। तो भाई ये किसी की फेवरेट गन हो सकती है, लेकिन भाई मेरी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन M16A4 को कंप्लीट करने का मैं एक शॉर्टकट सा भी तरीका बता दे रहा हूँ भाई। तुम सबसे बढ़िया है इसको क्विक मैचेस में खेल के कंप्लीट कर लो। अगर M16A4 को चलाना प्रेफर करते हो क्लासिक मोड में तो भाई बेशक इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं चला पा रहे हो भाई, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो क्विक मैचेस में भी इसको कंप्लीट करके, इसको यूज करके भाई आराम से तुम पॉइंट ले सकते हो। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट मिशन है वो है गेट अ स्मोक ग्रेनेड इन 20 मैचेस। तो सबसे इसको सिंपल सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, तुम चले जाओ अपने सेटिंग्स में और यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे पिकअप का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे जाके यहाँ पे देख सकते हो ग्रेनेड जहाँ पिकअप होता है वहाँ पे स्मोक अगर 0 होगा भाई तुम लोगों का, तो यार इसको तुम बढ़ा के कैपेसिटी 1-2 कर दो और तुम सिंपल सा यार मैच कंप्लीट करते रहो। ये ऑटोमेटिक जहां भी स्मोक ग्रेनेड देखेगा ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा, तुमको कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो भाई इस तरह से ये भी सारे मिशन हो जाएंगे कंप्लीट। फिर जो हम लोगों का लास्ट मिशन होने वाला है वो है डील अ टोटल 500 डैमेज टू एनिमीज हेड, एनिमी के सर पे तुम्हें 500 डैमेज देने हैं। तो भाई ये एक मैच में कंप्लीट करो, 2 मैच में कंप्लीट करो, नहीं मैटर करता है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइस यही सारे मिशन होने वाले हैं वीक 7 के। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, और जो लोग नए रास्ते मेरी ये वाली वीडियो देखने शुरू की हो गाइस चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब और दबा दो उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को। और गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे मन में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, मैं रिप्लाई उसका 100% दूंगा। सो गाइस मिलते हैं फिर अपने वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।